दोस्तों ये है, देखिए ये है हुमायूं टॉम्ब, ये देखिए। उधर है नीला गुंबद, वो भी दिखाऊंगा आपको। दोस्तों ये जो हुमायूं टॉम्ब देख रहे हैं, ठीक उसके जस्ट इधर ही एक ये जो देख रहे हैं, ये है बार्बर्स टॉम्ब, नाई का मकबरा है। इसके अंदर जो है एक महिला और एक पुरुष की कब्रें हैं। ओ ये भी है इधर, ये देखिए, ये है एक बार्बर्स टॉम्ब की कब्रें हैं। ये देखिए अंदर से बहुत खूबसूरत इसकी डिज़ाइंस हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत काफ़ी अच्छी कब्र है, सब मतलब टॉम बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया बार्बर्स टॉम, और जस्ट उधर जाएंगे तो ठीक उधर वो नीला टॉम है, नीला गुंबद। दोस्तों ये ठीक मेरे सामने जो देख रहे हैं आप, ये सामने में है नीला गुंबद। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, मतलब मुग़ल पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर, मुग़ल के ज़माने का, हुमायूं के ज़माने का। देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत जगह है नीला गुंबद। दोस्तों क्या खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया इसकी आर्किटेक्चर। देखिए ये ग्रे ब्लू कलर्स का टाइल्स टाइप का है, मतलब मार्बल्स है ये। देखिए काफ़ी मतलब बहुत ही बढ़िया है, नीले ऊपर में पूरा ब्लू कलर का टाइल है, इसलिए नीला गुंबद इसका नाम दिया गया ऊपर में टॉप में। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये है नीला गुंबद, ऊपर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आर्किटेक्चर है। ये देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत बनाया गया इस डिज़ाइन को, बहुत अच्छी डिज़ाइंस बनाए। और ये सब मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स वगैरह हैं, मेंबर हैं ये सब तीन इधर, और ये गेट हो गया इधर का। तो आगे चलते हैं, दिखाऊंगा आपको पूरा, रहिए मेरे साथ, मैं आपको सारा दिखाऊंगा वीडियो, हुमायूं टॉम्ब से लेके ईसा खान का टॉम्ब और जितने भी मकबरे हैं सब दिखाऊँगा, जो भी कब्रें हैं सब दिखाऊँगा, देखते रहिए। ये हो गया नीला टॉम्ब, देखिए जस्ट नीला टॉम्ब ऊपर में, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों ये है ब्लू डॉम, नीला गुंबद, ये देखिए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली के मकबरे में। ये जो मकबरा है आज आपको दिखाऊंगा हुमायूं का टॉम्ब। तो चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है सब हुमायूं का टॉम्ब, ये सब एरिया पूरा जितना भी है ये सब दिखाऊंगा आपको। जैसे ही चलेंगे सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप, ये है ईसा खान का टॉम्ब है, ईसा खान का टॉम्ब ये देख सकते हैं, ये है ईसा खान गार्डन टॉम्ब, ये देखिए। तो अंदर जैसे ही जाएंगे वो पूरा जो है ईसा खान का टॉम्ब है वो सामने में। तो जैसे ही सबसे पहले आएंगे आप, ये सब है, ये मकबरा देख रहे हैं, ये सब, ये है ईसा खान का टॉम्ब है, ये जस्ट ये पूरा ईसा खान का टॉम्ब है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मकबरा है। ये सबसे बढ़िया मकबरा है जो हुमायूं टॉम्ब है, सबसे बड़ा मकबरा इंडिया का, सबसे बड़ा मकबरा, द बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे सामने है ईसा खान का मकबरा है, ये ईसा खान टॉम्ब। चलिए देखते हैं, सामने चलेंगे देख के। तो ठीक ये दिख रहा है आपको सामने, ये पूरा जो है ये मकबरा, ये पूरा ईसा खान का मकबरा है ये सामने। इधर से ही एंट्रेंस है, बाकी इधर से सब लोग जैसे ही एंट्रेंस जाएंगे सामने में ईसा खान का पूरा मकबरा दिखेगा आपको। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मकबरा है, मतलब ये बहुत ही अच्छा मकबरा है। तो ये दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये ईसा खान का मकबरा, अंदर चलेंगे और देखेंगे ईसा खान का मकबरा को दिखाएँगा आपको। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत मकबरा है, अभी तो थोड़ी इसकी मरम्मत की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है पूरा, मतलब इसका डिज़ाइन देखेंगे जैसे ही। ये देखिए दोस्तों काफ़ी मतलब बेहद खूबसूरत मकबरा है, ये पूरा ईसा खान का टॉम्ब है ये। इसके अंदर मकबरे में देखूँगा जाके मकबरा कैसा है, और ईसा खान जो थे उनका मकबरा है ये सब देखिए काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे जाऊँगा जैसे ही, इधर से एंट्रेंस है पूरा, साथ में पप्पी भी है इधर, वो देखेंगे ये दोस्तों, ये है एंट्रेंस है ये पूरा, और इधर में ईसा खान का मकबरा है इधर सीधा। तो जैसे ही एंट्रेंस करेंगे इधर से, ये जो मकबरा है पूरा ये ईसा खान का मकबरा अंदर में, ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा इधर,
ये पूरा जो है ईसा खान का ख़ानदान का मतलब मकबरा है। ये जो टॉम्ब होगा ये ईसा खान का मकबरा होगा और ये बाकी उनकी फैमिली का होगा। ये सब उधर लिखा पूरा, ये मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बढ़िया है ये टॉम्ब, द वन ऑफ द बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया, मतलब ईसा खान का टॉम्ब हो गया ये, उनका ये मकबरा ईसा खान का। इधर में से ही होगा कुछ, इधर इधर से ही कुछ होगा ऐसे ही। यही है ईसा खान का मकबरा, देख रहे हैं अंदर में। इधर डिज़ाइन देखिए काफ़ी अच्छा है, मतलब इसको देखेंगे तो काफ़ी उसकी आर्किटेक्चर मतलब बहुत बढ़िया है। ये देखिए ये जो है क्या है, ये इस पर नमाज होती होगी, नमाज के लिए मिंबर है ये देखिए। और ये 124 मिंबर है कम से कम इसमें, छोटे छोटे ऐसे बहुत से 124 छोटे छोटे मेंबर्स मिल जाएंगे ऐसे आपको पूरे एरिया में, मतलब जितने भी ये जो टॉम्ब है हुमायूं का जो टॉम्ब है, टोटल 124 मेंबर दिख जाएंगे आपको ऐसे कम से कम। ये देखिए इधर बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये 124 स्मॉल मतलब मेंबर्स हैं पूरे। और ये देखिए काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, और ये बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा लगा मुझे। ये हुमायूं टॉम्ब के लिए एंट्री के लिए कम से कम 40 रुपये लगता है इंडियंस के लिए, बाकी फॉरेंस वगैरह उन सब के लिए 600 रुपये की टिकट होती है, तो मतलब पैसा वसूल है इंडियंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब काफ़ी अच्छा ये काफ़ी अच्छा टॉम्ब है, वन ऑफ द बिगेस्ट दोस्तों दिस इज़ द बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा टॉम्ब है इंडिया का ये कह सकते हैं आपकी, मतलब ये जो हुमायूं टॉम्ब है ताजमहल से कम नहीं है, ताजमहल के बाद सेकंड नंबर पे आ सकता है ये हुमायूं टॉम्ब, बहुत ही अच्छी जगह है। और ईसा खान का मकबरा दिखाया आपको मैंने, अब आपको ले चलूँगा कहीं और दिखाऊँगा बाकी सब मुगल्स जितने भी है सब दिखाऊँगा, मुगल्स के जो भी मकबरे होंगे। चलिए चलते हैं। तो ये देखा आपने ईसा खान का टॉम्ब देखा आपने, और ठीक जैसे इधर ही आप इधर की तरफ इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे ये है मॉस्क है, मस्जिद है ये, ये है हुमायूं के ज़माने की मस्जिद जो अभी तक है, तो देख मस्जिद भी दिखाऊंगा आपको। चलिए चलते हैं। तो ये जो मस्जिद देख रहे हैं ये है हुमायूं के ज़माने की, और इसको किसने बनाया है ये अभी मालूम नहीं है मुझे फ़िलहाल। देख रहे हैं अभी ये है हुमायूं के ज़माने की मस्जिद, ये देखिए ये है मिंबर है ये जहाँ इमाम नमाज पढ़ाते हैं सब। देखिए ये है हुमायूं के ज़माने की काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, ये देखिए दोस्तों इसकी ये जो गुम्बद है ये देखिए सबसे बड़ी गुम्बद, ये टॉम्ब है ये देखिए दोस्तों, ये है हुमायूं के ज़माने की मस्जिद। ऊपर देखेंगे तो ये मार्बल्स लग रहे हैं सब, ये सारे मार्बल्स के बनाए हुए हैं। और इधर आएंगे तो देखें मेंबर पे ये काफ़ी अच्छा मतलब डिज़ाइन से आर्किटेक्ट किया गया, ये देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है इधर, ये देखिए ये है हुमायूं के ज़माने की मस्जिद है दोस्तों। तो आगे चलते हैं आपको दिखाऊंगा, ये तो दिखा दिया मैंने आपको, ये है ईसा खान का मकबरा, अब फिर आगे जाऊंगा ये है फिर हुमायूं टॉम्ब दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों आपको दिखाया ये ईसा खान का टॉम्ब और मस्जिद, ईसा खान मस्जिद जो 1547 में तैयार हुई थी, और ये मकबरा देख लिया आपने ईसा खान का। अब देखते हैं हुमायूं का टॉम्ब देखेंगे, जो सबसे बड़ा टॉम्ब है इंडिया का, बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया, आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों फाइनली मैं आ रहा हूँ उधर, सबसे बड़ा मकबरा है इंडिया का, सबसे बड़ा मकबरा हुमायूं टॉम्ब, जस्ट आप मेरे पीछे जैसे ही देखेंगे, ये देखिए ये सब भाई लोग जा रहे हैं, सब उधर ही है हुमायूं का मकबरा, सबसे बड़ा मकबरा आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द। चलिए चलते हैं फिर देखते हैं। दोस्तों ये है हुमायूं का मकबरा, जैसे इसके जैसे एंट्रेंस, ये गेट जो देख रहे हैं आप, जैसे ही क्रॉस करेंगे हम लोग देखेंगे हुमायूं का मकबरा, जो सबसे बड़ा टॉम्ब है ताजमहल के बाद, सबसे बड़ा टॉम्ब वही है जो मतलब कह सकते हैं सबसे अच्छी जगह है, मतलब टॉम्ब सबसे बड़ा टॉम्ब हुमायूं का यही है। चलिए देखते हैं फिर। तो दोस्तों फाइनली मैं आ ही गया हुमायूं के मकबरे में, तो सबसे बड़ा मकबरा है द बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया हुमायूं टॉम्ब, ये देखिए दोस्तों ये है हुमायूं का टॉम्ब, जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है दोस्तों हुमायूं का मकबरा, ये देखिए द बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया, सबसे बड़ा मकबरा है। चलिए चलते हैं नज़दीक से देखेंगे इसको।
ये है मकबरा हुमायूं का। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है दूर से। ये देखिए क्या शानदार मकबरा है, द लार्जेस्ट टॉम इन इंडिया, हुमायूं टॉम। वो हुमायूं के बेटे ने बनाया था, अकबर ने बनाया इसको लगता है, द बिगेस्ट टॉम इन इंडिया। दोस्तों ये देखिए क्या शानदार मतलब नज़ारा है। ये जो मकबरा सबसे खूबसूरत मकबरा है और ये ताजमहल के बाद इसको बोल सकते हैं। ये रेड कलर से बनाया है कुछ तो, लेकिन ऊपर देख सकते हैं पूरा ताजमहल की तरह वाइट वाइट पूरा, मतलब सबसे बड़ा टॉम्ब है ये हुमायूं टॉम्ब, बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया, मतलब काफ़ी खूबसूरत है। देखिए क्या अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है इधर। ये देखिए ऊपर जैसे एंट्रेंस जाएंगे इधर से और ठीक ऊपर से मकबरे के पास में जाएंगे हम लोग, देखेंगे फिर देखते हैं। देख क्या शानदार मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए पैसा वसूल है पूरा, 40 रुपये की टिकट लगती है बस। ये देखिए अरे वाह क्या माशाल्लाह क्या नज़ारा है, मतलब देखिए डिज़ाइन देखेंगे। ये देखिए पूरा पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर है, पूरा पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर मिलाकर बनाया गया। क्या खूबसूरत मुग़ल ज़माने का बहुत ही शानदार टॉम्ब, द ग्रेट हुमायूं के ऊपर बनाया गया, ग्रेट हुमायूं टॉम्ब है ये। ये देखिए देखिए दोस्तों ये है हुमायूं टॉम्ब, ग्रेट हुमायूं टॉम्ब। ये जो देख रहे हैं सारे जो मुगल्स के मतलब जितने भी हैं सब वो मतलब दफनाए गए हैं इधर, सब जितने भी मुगल्स के जो भी थे सब, ये सब उनका मतलब। और ये है हुमायूं का मकबरा ये सब। ये देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत मतलब टॉम्ब है, ये सबसे बड़ा टॉम्ब है, बताया आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए यहाँ से जो एंट्रेंस इधर से है, देखेंगे इसको, ये है हुमायूं टॉम्ब। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये हुमायूं का मकबरा, बताइए कि देखिए क्या खूबसूरती से बनाया गया इसका जो गुंबद है। देखिए पूरा वाइट मार्बल है, बाकी सब रेड है, तो मतलब काफ़ी खूबसूरत मकबरा है दोस्तों। ये देखिए अभी काफ़ी खूबसूरत मकबरा है, देखिए। और इसके अंदर चलेंगे, हुमायूं का मकबरा भी देखेंगे, हुमायूं टॉम्ब। ये देख रहे हैं टॉम्ब है ये, उसका फिर अब हुमायूं का वो देखेंगे। तो देखिए फाइनली मैं आ गया इधर, ये है हुमायूं का मकबरा और ठीक वो कब्र होगी उनकी हुमायूं के मकबरे में। ये देखिए हुमायूं का कब्र भी दिखा रहा हूँ, वो देख रहे होंगे उधर या जस्ट इधर। और देखिए काफ़ी खूबसूरत है अंदर से भी, देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत मकबरा है, मतलब ये देखिए ये पूरा ग्रेनाइट टाइप का दिख रहा है, ऐसे कुछ काफ़ी अच्छा मार्बल्स है ये सब। तो इस तरह का है नज़ारा कुछ। ये है ग्रेट हुमायूं का जो कब्र है वो है, ये देखिए हुमायूं की कब्र है ये। और ठीक जैसे ऊपर देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर है ये, आर्किटेक्चर जो था पर्शियन था और इंडियन आर्किटेक्चर है पूरा। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है, मतलब पूरा वाइट मार्बल जैसा लग रहा है दूर से, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। हाँ भाजी हाँ, तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ा मकबरा है, सबसे बड़ा मकबरा है इंडिया का, द बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया, दिखाया हुआ जैसे बाहर से आपको। और 124 से ऐसे छोटे छोटे मेंबर्स होंगे दिख रहे होंगे जो, ये सब बाहर पूरा 124 बाहर में छोटे छोटे मेंबर्स हैं। तो ये रहा दिखाया आपको हुमायूं का मकबरा ये, और उनकी कब्र, बाकी सब उनके ग्रैंडसन और बहुतों की है बाहर देखा आपने। तो ये कैसा लगा वीडियो, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये देखिए, ये है हुमायूं, ग्रेट हुमायूं की कब्र मुबारक है ये देखिए। और काफ़ी काफ़ी बड़ा मकबरा, मतलब ये देखिए देख सकते हैं आप, ये देखिए ऐसे जो मेंबर्स दिख रहे हैं आपके, तो काफ़ी बड़े बड़े बाहर से 124 है छोटे छोटे जो एंट्रेंस जो मेन वाला है। देखिए काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत मतलब ये मकबरा है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, आपको दिखाऊंगा बाहर से भी फिर चलते। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, देख लिया आपने ये जो हुमायूं का मकबरा दिखाया मैंने आपको, कैसा लगा ज़रूर बताइए। द बिगेस्ट टॉम्ब दिखाया मैंने, बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया हुमायूं टॉम्ब, देखिए कैसा लगा आपको ये टॉम्ब जो दिखाया मैंने, बिगेस्ट टॉम्ब इन इंडिया, सबसे बड़ा टॉम्ब है भाई साहब ये इंडिया का। ये देखिए कैसा लगा आपको दोस्तों, ज़रूर मुझे बताएँ, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। ये देखिए ये हो गया, तो वीडियो का एंड करता हूँ, थैंक यू।
और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।